नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आपको जानकर ये अपार हर्ष होगा कि आपके शहर आजमगढ़ में सेंचुरी प्लाई के शोरूम का भव्य शुभारंभ 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे से होने जा रहा है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम स्थल है वर्मा टावर तनिष्क शोरूम नरौली आजमगढ़, जिसके प्रोप्राइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 94-15-20-77-28। धन्यवाद। गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब निजामाबाद में आयोजित 3 दिवसीय गुरुमत सगप समागम में शुक्रवार को श्री अखंड साहिब की शुरुआत हुई। कस्बे के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में समागम में शामिल होने के लिए सिख श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। शुक्रवार को सुबह 9 बजे गुरुद्वारा में श्री अखंड साहिब का पाठ मुख्य ग्रंथी बाबा सतनाम सिंह द्वारा शुरू किया गया। यह पाठ रविवार को सुबह समाप्त होगा। इसी दिन सालाना जोड़ मेला आयोजित है। शनिवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नगर कीर्तन एवं शास्त्र कला प्रदर्शन होगा। यह शास्त्र प्रदर्शन संत सिपाही रंजीत अखाड़ा गुरु का ताल आगरा द्वारा किया जाएगा, जो गुरुवार से निकलकर नगर भ्रमण कर गुरुद्वारे पर आकर समाप्त होगा। गुरुवार को गुरुद्वारे में संगतों के आने का क्रम जारी रहा। गुरुद्वारे में राजविंदर सिंह, महेंद्र सिंह, तीर्थ सिंह, हरदीप कौर जलंधर, रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिख जत्थे निजामाबाद में पहुंच चुके थे। शुक्रवार गुरुद्वारे में दिन भर भारी भीड़ रही। गुरुद्वारे में श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेकते देखे गए और 3 दिन से लगातार लंगर लोग चख रहे हैं। बाबा जी, ये आपका सालाना जो मेला जो है आज से प्रारंभ है? आज वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। महान सालाना गुरमत समागम जोड़ मेला आज दिनांक 17 से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अगुवाई में श्री अखंड पाठ साहिब से प्रारंभ हुआ है, जो आज से प्रारंभ होकर के संगतें आनी शुरू हो गई हैं, साज सजावट हो रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल 18 तारीख को जन पूरे नगर में शोभा यात्रा नगर कीर्तन भव्य निकाली जाएगी, जो गुरुद्वारा साहिब से प्रारंभ हो करके पूरे नगर होती हुई शिवाला घाट होती हुई फिर गुरुद्वारा साहिब पे संपन्न होएगी और 19 तारीख को गुरुमत समागम प्रचारक कथावाचक जो आगरा से गुरु के ताल से सेवक जथा आ रहा है वो अपने अपने वाणी का सब संगत को सुना करके निहाल करेंगे। सारी संगत से बेनती है कि आप आइए, हम सब मिल करके ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब के दर्शन करें और यहाँ का जल ग्रहण करें, लंगर प्रसाद ग्रहण करें। सब संगत को बेनती है कि सारी संगत पहुँच करके अपने जीवन को सफल बनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी, जो मेरा रास्ता आपका सालाना जी, यहाँ कब से परंपरा है? ये तकरीबन 40-50 साल हो गए हैं। गुरु साहिब जी तो बहुत समय पहले से आए थे, आज 550 साल पुराने। और जहाँ पे भी गुरुओं के स्थान बने हुए हैं, जैसे यहाँ सिख संगत बहुत कम है, वहाँ सारी संगत के सहयोग से, पूर्वांचल की समूह संगत के सहयोग से, या साल भर में राष्ट्रीय स्तर पर एक सालाना जोड़ मेले का आयोजन होता है, जिसमें महापुरुष गुरु का ताल आगरा के संत बाबा प्रीतम सिंह जी अपने सेवक जथे के साथ पहुंचते हैं और सारी संगत को निहाल करते हैं। बाबा जी, यहाँ से जैसे बाबा जी का चरण पादुका है और का विशेषता है थोड़ा सा? ये बहुत बड़ी यहाँ की विशेषता है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी आए, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी आए, बाबा श्री चंद जी आए हैं। और यहाँ की विशेषता आपको बता दें कि जो गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब है, यहाँ गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब में गुरु नानक साहिब जी की चरण पादुका खड़ा हुए, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की चरण पादुका खड़ा हुए, जो पैरों में पहनते थे उनके पवित्र चरणों की खड़ा हुए यहाँ इस पावन स्थान पर सुशोभित हैं संगतों के दर्शनों के लिए। यहाँ एक दुख भंजन कुआ है जिसके जल से अनेकों प्राणियों के रोग मुक्त होते हैं। श्रद्धा भावना से जो आते हैं गुरु साहब उनसे उनके ऊपर कृपा करते हैं। सारी संगत से बेनती है कि आओ इस महान सालाना जोड़ मेले समागम में मिल करके आओ, खुशियां प्राप्त करें, गुरु के दरबार के हाजिरी लगाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा,